बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आप अपने मोबाइल पे वाईफाई सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सेटिंग्स पर जाएं, वाईफाई को ऑन करें। आज की तारीख में बहुत सारे वाईफाई कंपनीज अवेलेबल हैं जो आपको वाईफाई सुविधा देते हैं, जैसे कि बीएसएनएल। वाईफाई बटन को ऑन करें। आपके पास यदि पहले से वाईफाई सेटिंग सेव है तो डायरेक्टली आपके पास मोबाइल पे इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे आइकॉन छोटा सा दिखाया गया है। यदि आप वाईफाई को ऑफ करना चाहें तो वो भी यहां से आप ऑफ कर सकते हैं। नया वाईफाई कनेक्शन ढूंढने के लिए आप रिफ्रेश को दबाएं। रिफ्रेश दबाते ही आपका मोबाइल स्वयं ही नया वाईफाई, अगर कनेक्शन अवेलेबल है तो उसको ढूंढना शुरू कर देगा। जैसे ही आप उसको कैंसिल या कनेक्ट करते हैं तो आपके पास वाईफाई से संबंधित जानकारी उपलब्ध हो जाती है और यदि पासवर्ड है तो आप उससे जुड़ सकते हैं। आप स्लाइडर मेन्यू या नोटिफिकेशन बार से भी वाईफाई से जुड़ सकते हैं। उसके लिए फिर से ऊपर से नीचे की तरफ मोबाइल में स्लाइड करें। यहां पे आपके पास वाईफाई को ऑन करने के लिए एक आइकॉन दिया गया है, आप उसे प्रेस कर दें। मोबाइल आपको वाईफाई सेटिंग्स में ले जाएगा। अगर कनेक्शन नया है तो पासवर्ड मांगेगा, पुराना अगर पहले से पासवर्ड सेव है तो पासवर्ड दोबारा नहीं देने की जरूरत। वाईफाई का प्रयोग जो है बंद करने के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाएं और वाईफाई बटन को टैप कर दें। वाईफाई सुविधा जो आपके मोबाइल पे उपलब्ध है वो बंद हो जाएगी। आप अपने मोबाइल पे रेडियो भी सुन सकते हैं। रेडियो को सुनने के लिए सबसे पहले मेन्यू पर जाएं, ऊपर नीचे या दाएं बाएं बटन का प्रयोग करते हुए रेडियो को चुनें और ओके बटन प्रेस करें। यहां जैसे ही आप ओके करते हैं, रेडियो सुनने के लिए कुछ मोबाइल्स में हेडफोन जरूरी रहता है, तो आप हेडफोन लगा के मोबाइल में रेडियो को सुन सकते हैं। स्मार्टफोन पे भी रेडियो सुना जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले यदि मोबाइल में हेडफोन लगाना जरूरी है तो हेडफोन प्लग इन कर लें या मोबाइल में हेडफोन लगा लें। हेडफोन लगाने के बाद मेन मेन्यू पर जाएं, यहां से रेडियो चुनें। यहां एफएम रेडियो पे मैं टैप कर देता हूं। देखिए, फिर से जानकारी दी जा रही है कि आप हेडफोन प्लग इन करें। तो यहां मैं अपने स्मार्टफोन में हेडफोन को प्लग इन करने के लिए, लगाने के लिए जगह दी गई है। यहां मैं हेडफोन्स को जोड़ता हूं। इस प्रकार से आप अपने मोबाइल में हेडफोन प्लग इन करें, लगाएं उसे, फिर से वापस और एफएम रेडियो आइकन को टैप करें। आपके पास देखें एक छोटा सा मोबाइल में रेडियो का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहां से इन सब बटनों का प्रयोग करते हुए रेडियो का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें पिछला चैनल ढूंढने के लिए ये बटन, जो पीछे की तरफ चैनल ढूंढेगा, ये आगे की तरफ, रेडियो ऑन ऑफ करने के लिए बटन का प्रयोग कर सकते हैं। आप जैसे ही ऑन करते हैं, अगर चैनल अवेलेबल है या स्टोर है तो आपका रेडियो आपको जानकारी स्क्रीन पर देगा और साथ ही जो स्टेशन अवेलेबल है वो अवेलेबल हो जाएगा। आप रेडियो में रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दें, रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के लिए फिर से यहां टैप कर दें। आप स्लाइड करके भी रेडियो स्टेशन बदल सकते हैं दाएं या बाएं की तरफ। जानकारी आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल रहती है। आगे का जो चैनल है उसके लिए दाएं और पीछे के चैनल के लिए बाएं की तरफ स्लाइड करें। रेडियो बंद करने के लिए इस बटन को प्रेस कर दें और फिर से बैक से वापस होम स्क्रीन पर आ जाएं।